बस हमारे को मदद चाहिए, हमारा पैसा हमको दिला दो, हम बहुत गरीब लोग हैं, इससे उसका पैसा हमने खर्चा किए, बहुत मुसीबत से पैसा करके मुझे दलाल के चक्रों से ना बचे, उससे बचे, दलालों से बचे, उनके थ्रू घर ना ले, पूरी इंक्वायरी जानकारी से घर ले, बस हमारा पैसा। क्या कहेंगे आज यहाँ पे जो इतनी तादाद में जो पब्लिक जमा हुई है, तो ये क्यों जमा हुई है, इसका रीजन बताएं। सर जी, आज यहाँ पे इतने लोग आए हैं, वसीम शाह हसनैन शाह नदिया पार में लड़का रहता है, इसने 70 से 80 लाख रुपए का फरार किया है, किसी बहन का, किसी भाई का, किसी बेवा का सबका पैसा इसने खाया है और मेरा भी पैसा लिया है। इसका छोटा भाई समीम शाह जो मेरा जानने वाला था उसका नाम बता करके पैसा लिया, 3,17,000 रुपये मेरा ले लिया, फिर मुझको इसने चेक दिया, चेक रिटर्न हो गया, पैसा मांगा, पैसा नहीं दे रहा, फिर मैंने उसका केस कर दिया कोर्ट में, जो निर्णय आएगा अपने करना पड़ेगा। और मैं अबू रेहान आदमी बोल रहा हूँ। अच्छा, आप ये बताइएगा आपने पैसा किस माध्यम से दिया था? मैं पैसा कैश दिया था। अच्छा, कैश दिए थे, पैसा किस बिल्डिंग में फ्लैट या क्या मामला था उसके बारे में? मेरा जो है इसे उधारी लिया ना, बोले रेहान में कुछ गाली फट दी, मेरे को पैसा उधार दे दीजिए, और समीम दोस्त है मेरा, इसका छोटा भाई, और उसको मैंने कॉल किया तो कॉल उसका नहीं लगा, और उसने मैंने पैसा इसको दे दिया। फिर मेरे दोस्त से जफर भाई से पूछा तो बोले यार कहाँ पैसा दे दिए। भाई आज जो शांतिनगर में इतने लोग आए हैं, तो पहले ये बताइए कि कितने लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है और कितने पैसों का फ्रॉड हुआ है? 20 से 25 लोग का पैसा लिया है और 70 से 80 लाख रुपए का मैटर है। अच्छा। जो भी मतलब मेरी जानकारी में 70-80 लाख रुपए मेरे सामने आ गया है, सबका मोबाइल नंबर है, सबका नाम है, और इसके ऊपर 2x400 BC का यहाँ पे दर्ज हो गया है। अब देखिए आगे क्या होता है। हमने इंदलकर साहब से भी बात किया है, उन्होंने बोला ठीक है, हमें आश्वासन दिए है कि आपकी जो भी कार्रवाई हम करेंगे आप निश्चिंत रहिए। हम कह ठीक है, कोई बात नहीं। आपको कैसे मालूम पड़ा वसीम, जो वसीम शाह, कैसे मिले वो आप? हमारे कुछ जानने वाले थे, उन्होंने बोला कि रेहान भाई यही खड़ा है, पकड़ लिए, पकड़ लो। तो हमने बोला उसको कुछ करो मत, मारना पीटना मत, उसको लाके जमा कर दो। उन्होंने हमारी मौजूदगी में वसीम को लेके आए करीब करीब 5:30 बजे, हमने उसको यहाँ पे जमा करवा दिया। कौन लेके आया? क्या नाम था? समीर भाई करके थे, और भी साथ में 2-4 लोग थे, पब्लिक लोग। हाँ, पब्लिक लोग लेकर के आए। आप क्या करना चाहोगे? आप जो है कि अभी बताए कि आपने बोला है, कितना बजे लाए और आपको कैसे मालूम पड़ा कि ये काम है? ये मैं जा रहा था बाहर। ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है, बोलिए। इधर देखो, इधर देखो ना, एक मिनट भाई, आपके साथ क्या फ्रॉड हुआ है, क्या मामला है, थोड़ा इसके बारे में। फ्रॉड ये हुआ है कि इसने मेरे अब्बा को घर देने वाला था, वो 2.5 लाख रुपया डिपॉजिट लिया था, 1 लाख कैश लिया था, 1.5 लाख चेक में लिया था, वो पैसा मैंने दिया था मेरे पिताजी को घर देने के लिए। एग्रीमेंट वगैरह कुछ है? सब है, पेपर है, चेक, उसने चेक भी दिया, वो भी रिटर्न हुआ है। उसने मेरे को कल वो मिला था, मंडे पे मिला, चाय पानी किया, फिर मेरे से 1,000 रुपया और लिया मेरे से, बोला मैं तुम्हारा पैसा लेके आता हूँ बॉम्बे से, पार्टी वाला देने वाला है तुमको, कल दे दूंगा मैं सुबह में। तो 1,000 रुपया मैं फिर दिया उसको, मतलब इतना दिया हूँ, 1,000 रुपया और ले ले भाई, तू पैसा ला के दे दे मेरे को। पैसा दिया उसको, फिर दूसरे दिन फोन लगा तो उठाया नहीं उसने, मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल के रखा है। फिर उसके बाद फिर शाम में इत्तेफाक से मेरे को फिर ये सत्ता टेकरे के पास बाथरूम के पास मिला। तो क्या किए फिर उसको मिला? वो मिला तो मैंने जो जानने वाले थे मेरे, जो कांटेक्ट में थे, यानी जिसके साथ में उसने ठगी किया था, जैसे ये आरिफ भाई हो गए और वो अख्तर भाई थे, तो हम लोग कॉन्टेक्ट किए, तो उसको हम लोग ने जो फिर और भी पब्लिक आई उसको यहाँ पर पुलिस चौकी में ले गया। कितना बजे का टाइम है? उसको हमने 4 बजे कुछ 4:30 का कुछ टाइम था, तो फिर यानी पब्लिक और आई,
उसके बाद हमने उनको 5:30 बजे ये कैसा है ना सर, एक घर दिखा दिखा के सबसे पैसा लिया है। अच्छा। और जो घर में जो हराम खोर रह रहा है ना उसका हमेशा सामान बंदे रहता है, उसका सामान हमेशा बंदे रहता है और वो दिखाता है बोलता है देखो मेरा सामान बंधा हुआ है, 2.5 लाख 3 लाख है, ये इतना पैसा मुझको मिलेगा भाई, वो मैं कल के कल घर खाली कर दूंगा भाई। वो बिल्डर है, ब्रोकर है, दलाल है, क्या है? वो कुछ नहीं है, बिल्डर बताता है, वो कुछ नहीं है, वो फ्रॉड है। वो 3 रूम है उसका 3 रूम है, एक औलिया मस्जिद के सामने 3रे माले पे है और एक ये अपना ये अपना साइजिंग के बाजू में है, स्टे लगी बिल्डिंग पे। हाँ, और उसमें से एक बुड्ढी भी आती है, वो भागते हुए आती है, देखती है कोई लेने आया है तो बोलती है वसीम भाई बहुत फरिश्ता है, बहुत ये है, ये पूरा ग्रुप बना के रखा है 15-20 लोगों का, ये सब मिल के फराट करते हैं। ठीक ठीक। अरे आज से नहीं कर रहा है, ये आज से नहीं कर रहा है। आपका कितना पैसा है? मेरा 1 लाख है सर। 1 लाख कैसे दिए थे आप? मैं पूरा 2.5 दे देता, मेरे को मालूम चल गया था, मैं शांतिनगर में रहता हूँ, मेरे को मालूम चल गया, मगर वो 1 लाख निकालने के लिए फिर मैं उसको दूसरा बार पैसा दिया नहीं इनके ऊपर। आपका क्या है, आपके साथ भी फ्रॉड हुआ या आपका भी पैसा? मुझे भी, मेरे साथ भी फ्रॉड हुआ है, मुझे अनिश डॉक्टर के पीछे वाला वो फ्लैट ग्राउंड फ्लोर वाला दिखाया और मैं वसीम को पहचानती नहीं थी, मुझे एक इनूस ने उससे मुझे मिलाया, उसने बोला ये अच्छा आदमी है, ये फ्लैट उसी का है और ले लो मेरे गारंटी पे पैसा दे दो, और एग्रीमेंट बनाई और वो घर बना हुआ नहीं था, उसने बोला वसीम शाह ने मुझे 2 लाख रुपया तो आपा मैं घर रेडी करके 15 दिन में देता हूँ। मैंने दिया, एक मेरा रेशमा नाम है और मैंने उसको पैसा दिया, एग्रीमेंट बनाया, 2-4 दिन के बाद मैंने 2 लाख रुपया उसको पूरा कैश दिया, वो भी इन उसके घर में शांति नगर में बैठ के उसके घर में कैश दिया है, और उसने बाद में 2 चेक मेरे को मेरे घर पे लाकर दिया, वो चेक बाउंस हो गया और अभी तक 1 रुपया भी नहीं। तो जब चेक बाउंस हुआ तो आपने पुलिस में शिकायत की? सब आए इधर आए सब, अभी नहीं, इसके पहले चेक जब बाउंस हुआ तो आपने क्या पुलिस में? नहीं, तभी नहीं किया, उसने बोला मैं अभी पैसा डालता हूँ, अभी आज कल करके वो बाउंस हो गया चेक, उसका कोई मतलब नहीं निकला। बाद में इनुस बोल रहा है वो देगा, जब इसको फोन करो ना ये बोलता है हाँ आपा मैं कल दूंगा आज दूंगा ऐसे करके। दोस्त आपा चेक जो बाउंस हुआ कितने दिन पहले की बात है? ये हो गया 1 साल भर के पहले की बात। 1 साल से आपने पुलिस में शिकायत नहीं की थी? शिकायत कोई एक्शन नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कोई सुनवाई नहीं। कितनी बार बाउंस हुआ है? दो चेक बाउंस हुआ है, केनरा बैंक का और नागरिक बैंक का, 2 चेक बाउंस हुआ है। आपा आपके साथ क्या हुआ? मेरे साथ भी फ्रॉड ही हुआ है, मेरा 4 लाख रुपए लिया था, दूसरा घर दिखा के मेरे को बोला के देता हूँ पैसा, मैं इसको 4 लाख रुपए दी हूँ, तो मेरे को ना पैसा दिया ना कुछ दिया, बस चेक मेरे को भी, वही चेक सबको जो देता है वो चेक मुझे भी दिया। हम लोग जब बैंक में गए तो हमारा चेक बाउंस हो गया, फिर मैंने इसको बोला चेक बाउंस हो गया, बोले तो बस 1 हफ्ता रुक जा, तेरे को देता हूँ पैसा, बैंक में तेरा डालता हूँ, कौन डालता हूँ, बस ऐसी चुतिया बना बना के 1.5 साल हो गए। हम लोग किस माध्यम से दिया? हमने दलाल के थ्रू दिया था। कौन सा दलाल? अकबर दलाल। कैश दिए थे? कैश दिया था। कितना पैसा था आपका कुल? 4 लाख रुपया था। आप दे दिए? मैं इसको 4 लाख रुपया। दलाल कहाँ रहता है? दलाल भाई जाकर के पास। उसने क्या बोला, हम लोग घर के लिए गए तो अकबर दलाल ने हमारे को घर दिखाया कि देखो ये वसीम शाह का घर है। आप पहले ये बताइए आप किसके साथ में आए? क्या मैम आए तो हम गए तो हमको क्या बोला ये घर है, तो जो घर में मर रहता है वो आदमी वो भी बोलने लगा हाँ मेरा 4 लाख है, मेरा पैसा मिल जाएगा तो मैं घर खाली करूँगा। तो मैं बोली देखो 4 मांग रहे ये, तो बोले हाँ ठीक है मेरा भी 4 दे दो तो मैं घर खाली करूँ। अब हमने उसको 3 लाख दे दिया, एग्रीमेंट बना दिया, हम इतने पढ़े लोग है ही नहीं, हुशियार नहीं है, हमारे कुछ समझे नहीं, हमने उसको पैसा दे दिया रोकड़ा, बोला 13 तारीख को तुमको चाबी मैं दूंगा। फिर हम लोग पूरा सामान इधर उधर इकट्ठा करके रोड पे पड़े हैं, तो देखा हमारा सामान भी, बोला तुम टेंशन मत लो घर में चाबी दूंगा। तो गए सामान लेके तो ना हमारे को घर दिया ना हमारे को चाबी दिया ना हमारा पैसा दिया। ठीक ठीक ठीक। बस हमारे को मदद चाहिए, हमारा पैसा हमको दिला दो, हम बहुत गरीब लोग है, इससे उससे पैसा हमने इकट्ठा किए, बहुत मुसीबत से पैसा करके दिया, हमारे बच्चे तो छोटे छोटे हमारे साथ में बहुत बड़ा धोखा करा, दलाल के चक्कर में ना पड़े, दलाल के चक्करों से ना बचे, उससे बचे, दलालों से बचे, उनके थ्रू घर ना ले, पूरी इंक्वायरी जानकारी से घर ले, बस हमारा पैसा। भाई मैं मेरे जो है घर वाले को उसने बताया कि हाईवे पे मतलब घर ले ले खाला, तो मेरे घर वाले को मतलब बहकाया कुछ लाया, तो कैंसर के मरीज हैं, उनका कैंसर का ऑपरेशन हुआ है, इसी दौरान उनको मतलब 1 लाख रुपया कैश जो है ना जेवर बेच के 1 लाख कैश दिया।
और बोले कि मेरा एक झोपड़ा है उधर। चाचा कुल कितना पैसा आपका? 3 लाख। 3 लाख रुपया आपका भी फंसा है, क्या हुआ क्या बोल रहे? तो चार साल हो गया, वो गोल गोल ऐसे घुमा रहा है, 1 रुपया दिया नहीं। केस किया आपने? 1 लाख कैश दिया है, झोपड़ा मेरा बेच। केस किया है शांतिनगर सेक्शन में, मामला दर्ज करवाया आपने? हाँ।